चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी की 70 डिसमिल जमीन को अंचल कर्मियों और माफियाओं की मिली भगत से बेच दिया गया है। अवतार और माफियाओं ने विभाग में बने भवन और जमीन तक को नहीं छोड़ा है। जमीन को भी माफियाओं ने देख डाली। अवैध रूप से बेची जा रही विभाग की इस जमीन में सफेद पोश नेताओं का भी हाथ बताया जा रहा है। उक्त जमीन में अवैध रूप से निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की जमीन संबंधित मामले पर अंचल कर्मियों से पूछताछ पर बताया कि हमारे पास विभाग की जमीन होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज भी पंडितों में वह जमीन रैयत दिखा रहा है। जानकारी के अनुसार विभाग से 70 डिसमिल जमीन को माफियाओं ने अवैध रूप से बेच दिया है, जबकि इस जमीन का सारा कागजात विभाग के पास मौजूद है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के वरीय कर्मी माफियाओं से मिलीभगत कर लिया है। यही वजह है कि विभाग उक्त जमीन में अवैध कब्जा पर चुप्पी साधी हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।